Hello my dear students, welcome everybody to our YouTube channel Study Hour. Today's class we will discuss about the NCERT courses class 8. The first topic mathematics, rational number, this is session 1, and in this video you will get the content of natural number, whole numbers, integer, rational numbers and their closure property. This is my first class of NCERT class 8. Okay. तो हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, यानी इसको परिमेय संख्या बोला जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को व्यू करते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्त के साथ शेयर करो। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का हम जानने से पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या है। ये तुम्हारा प्रीवियस क्लास में यानी 7-6 में भी था, तो फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ये सब डिस्कस करने के बाद हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले नेचुरल नंबर यानी ये हमारा गणन संख्या, और इसको हम बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, यानी 1 से हम शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। इसका तो कोई एंडिंग नहीं है, यानी इसका कुछ एंडिंग नहीं है, यानी लास्ट नंबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसका वैल्यू क्या है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, यानी हम इसको बोल सकते हैं गणन संख्या और काउंटिंग नंबर। क्लियर। फिर देखो होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी ये जीरो ऐड हो गया, नेचुरल नंबर ये 1 से शुरू होता है, तो इसके पहले हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी जीरो से हम शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। इतना तो क्लियर हो गया। फिर देखो इंटीजर्स, इंटीजर क्या है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। पॉजिटिव नंबर यानी ये हमारा धनात्मक संख्या, और नेगेटिव नंबर यानी ये हमारा ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, इसके साथ हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। यानी हम शुरू कहाँ से करते हैं, यानी ये देखो जीरो से ये हमारा पॉजिटिव नंबर यानी ये धनात्मक संख्या हो गया, और फिर इसके पीछे ये क्या है, नेगेटिव नंबर यानी ये सब हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर्स, यानी हम होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर यानी हम ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। तो फिर हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर का जनरल फॉर्म है पी बाई क्यू, यानी यह एक डिवीजन के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो ये पी बाई क्यू यानी इसमें क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि क्यू क्यों जीरो नहीं होगा। ओके, तो पी बाई क्यू फॉर्म में ये रेशनल नंबर आता है। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 बाई 3, 3 बाई 5, 5 बाई 7, 6 बाई 7। ये जो एग्जाम्पल ये इस नंबर का हम बोल सकते हैं कि ये सब हमारा रेशनल नंबर है। इतना तो क्लियर हो गया। ये क्या, ये पी और ये क्यू, ये पी ये भी क्यू, ये पी ये क्यू, ये पी ये क्यू, ऐसे ही हम रेशनल नंबर को, ये हमारा जनरल फॉर्म है, यानी ये सब हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर। यानी और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले सकते हैं -1/2, -3/5, ये भी सब हमारा रेशनल नंबर ही है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। तो फिर देखो क्यू को हम क्यों जीरो नहीं ले सकते हैं। ओके, तो अगर जीरो हम जीरो लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखो अगर हम क्यू को जीरो लेते हैं, तो सपोज हम लेते हैं 2/0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो 2 यानी ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने से जीरो को, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, टू। फिर देखो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो गया, ये भी टू। फिर हम नाइन लेते हैं तो ये भी हमारा, इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, यानी इसका कोई एंडिंग नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्यू को जीरो नहीं ले सकते हैं, यानी हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकते हैं, यानी जीरो के अलावा किसी भी नंबर हम ले सकते हैं तो उसको हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं, ओके बोल सकते हैं। फिर देखो तो रैशनल नंबर में क्या क्या ऐड है, यानी रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। यानी रैशनल नंबर क्या है, अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो ये अगर रैशनल नंबर हो गया तो रैशनल नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, इंटीजर, यह हमारा इंटीजर है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, यह हमारा नेचुरल नंबर। यानी ये देखो नेचुरल नंबर, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर आर इंक्लूड्स इन होल नंबर, यानी हम वन से शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर ऐसे ही अब तो इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया, तो ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, तो सब होल नंबर भी हमारा ये देखो इंटीजर के इंटीजर में इंक्लूड होते हैं। तो फिर देखो इंटीजर कहाँ से इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर है, ये हमारा डायग्राम है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया, तो हम देखो नेचुरल नंबर को हम कैसे रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल ले जाते हैं टू, तो हम टू को लिख सकते हैं टू बाई वन। अगर एग्जांपल ले जाते हैं थ्री, तो थ्री को भी हम लिख सकते हैं थ्री बाई वन, यानी ये हो गया हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में, ये भी हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में, ओके। तो फिर हम एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का, तो माइनस फाइव, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइव बाई वन, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस टेन बाई टू, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये भी फाइव माइनस फाइव भी हो जाएगा, तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर, यानी होल नंबर को। देखो होल नंबर भी ऐसे ही, अगर हम जीरो को लेते हैं तो जीरो बाई वन, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं जीरो बाई टू, ये भी पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया, यानी इसका वैल्यू जीरो नहीं है, और इसका वैल्यू जीरो होने से भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये भी हम लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो फिर देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये सब प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ओके। तो होल नंबर में डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, फर्स्ट इज योर एडिशन, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो ये देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी होल नंबर को एक होल नंबर के साथ एडिशन करने से अगर ये होल नंबर ही होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर होल नंबर नहीं हुआ तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर इन एडिशन, एडिशन में ये देखो पहला वाला ये टू, ये भी एक होल नंबर है, ये सेवन, ये भी एक होल नंबर है, यानी टू प्लस सेवन इक्वल टू नाइन, ये भी एक होल नंबर ही हो गया, ये जीरो प्लस सेवन इक्वल टू सेवन, ये भी एक होल नंबर हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि होल नंबर में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इन जनरल वी कैन से इन जनरल ए प्लस बी इज ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, यानी ये अगर ए हो गया, सोचो ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो ए होल नंबर, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्लियर हो गया। फिर देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ये एक एग्जांपल दे, देखो ये एक होल नंबर है जीरो, और सेवन भी एक होल नंबर है, यानी जीरो माइनस सेवन इक्वल टू माइनस सेवन, दिस इज नॉट ए होल नंबर, यानी ये हो गया हमारा इंटीजर, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
ओके, तो तुम जितना भी एग्जाम्पल ले जाओ तो सब्ट्रैक्शन करने से हमारा सभी नंबर पे हॉल नंबर नहीं आएगा, यानी हॉल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हॉल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी हॉल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ये पहला वाला एग्जांपल, 0 × 7 इसका वैल्यू क्या हो गया 0, 2 × 3 इसका वैल्यू क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया ना इसका, हम जितना भी हॉल नंबर का एग्जांपल ले जाते हैं तो हॉल नंबर का एक हॉल नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये भी एक हॉल नंबर ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हॉल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। फिर देखो डिवीजन में, डिवीजन यानी पहला एग्जांपल है 0/7 = 0, यानी ये एक हॉल नंबर हो गया। फिर देखो 2/5 = 2/5, ये हॉल नंबर नहीं हुआ है, ये एक हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हॉल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ओके, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है डिवीजन में। एक भी नंबर अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके, इतना तो याद रखोगे। तो फिर देखो इंटीजर में, इंटीजर यानी ये एडिशन, ओके, तो ये पहला वाला एग्जांपल है -3 + 7 = इसका वैल्यू क्या हो गया 4, यानी ये भी एक इंटीजर ही है। तो -1 + 3 = 2, ये भी एक इंटीजर है। -7 + 4 = -3, ये भी एक इंटीजर है। यानी हम बोल सकते हैं कि हम जितने भी इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करेंगे, यानी ऐड करेंगे तो ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, ये देखो 2 - 7, 2 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -5, 3 - 4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -1, 5 - 2 इसका वैल्यू क्या हो गया 3, यानी ये सब देखो इंटीजर ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। फिर देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये -2 × 3 = कितना हो गया -6, ये -2 × -5 = 10, ये सब इंटीजर ही है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है इंटीजर ही आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन ये भी और गुणन प्रक्रिया ये भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। फिर देखो डिवीजन, डिवीजन में ये देखो 2 / -3, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया -2/3, और ये -3/5 = -3/5, 2/5 = 2/5, ये सब इंटीजर नहीं है, ये सब हमारा रेशनल नंबर ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया। फिर देखते हैं हम रेशनल नंबर, यानी ये हमारा परिमेय संख्या, ये सब देखो ये भी p/q फॉर्म में है, ये भी p/q फॉर्म में है, 2/3 + 4/5 ये एडिशन है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3 और 5 का एलसीएम ले जाते हैं तो 15 हो जाएगा, 15/3 = 5, 5 × 2 = 10 प्लस 15/5 = 3, 3 × 4 = 12, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 22/15, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। और दूसरा एग्जांपल भी तुम ले सकते हो, अगर जितना भी तुम एग्जांपल ले जाओ रेशनल नंबर, तो इसका वैल्यू अगर एडिशन करने से इसका वैल्यू एक रेशनल नंबर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ये क्लियर हो गया। फिर देखो सब्ट्रैक्शन, ये देखो एग्जांपल 2/3 - 1/2, यानी हाफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 2 का
एलसीएम 6 6 बाई 3 इक्वल टू 2 2 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू 3 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, यानी 4 माइनस 3 बाई 6, यानी ये इसका वैल्यू क्या हो गया 1 बाई 6। ये भी एक रेशनल नंबर है, तो तुम एग्जांपल दूसरा एग्जांपल तीसरे जितने भी तुम एग्जांपल ले जाओ यानी ये रेशनल नंबर में, तो रेशनल एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक रेशनल नंबर ही आएगा। यानी एक रेशनल नंबर को तुम जितना भी रेशनल नंबर के साथ में सब्ट्रैक्ट करो तो इसका आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? फिर देखो मल्टीप्लीकेशन, ये 4 बाई 5 इंटू 3 बाई 4, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, -2 बाई 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 5, तो 2 ये क्या हो गया 6, और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, यानी 6 बाई 15। ये भी देखो रेशनल नंबर ही है, यानी जितना भी तुम एग्जांपल ले जाओ रेशनल नंबर को, तो एक रेशनल नंबर को एक दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से एक रेशनल नंबर ही होगा, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? फिर देखते हैं डिवीजन, ये देखो एग्जांपल 4 बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 3, यानी ये 4 इंटू 4 16, ये 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये देखो एक रेशनल नंबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। तो हम दूसरा एग्जांपल ले जाते हैं 2 बाई 3 बाई 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2 बाई 3 बाई 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2 बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, इसके अंदर हम x लिख सकते हैं तो 1 बाई 0, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 बाई 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी। ओके, और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये देखो 2 बाई 0 0, अगर इसमें 1 भी ले जाते हैं तो इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 2, अगर इसमें 9 भी ले जाते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया 2, तो इसका कोई एंडिंग ऐसे नहीं आएगा। तो इसको हम कोई किसी भी नंबर से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी। तो हम इसमें देखो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी ये डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये तो क्लियर हो गया। तो आज का क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस किए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अदर प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारा एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, तो देखो ये तुम्हारा बुक में है एक एग्जांपल, ये देखो नंबर्स ये क्लोज्ड अंडर, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो रेशनल नंबर एडिशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यस लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यस लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई किया तो हम सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी हम यस लिख सकते हैं, लेकिन डिवीजन में नो। ओके, तो क्लियर हो गया। फिर देखो इंटीजर में, ओके इंटीजर में देखो एडिशन, एक इंटीजर को एक इंटीजर से एडिशन करने से एक इंटीजर ही होगा, तो ये भी यस हो जाएगा, लेकिन देखो इसमें सब्ट्रैक्शन भी, ये भी यस, और मल्टीप्लिकेशन भी यस होगा, डिवीजन लेकिन नो होगा। ओके, तो फिर देखो होल नंबर, एक होल नंबर को एक होल नंबर से एडिशन करने से ये एक होल नंबर ही होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा, यानी और होल नंबर
नहीं आएगा, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 9, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन करने से ये भी एक होल नंबर ही होगा, तो यस। और डिवीजन में ये 9 होगा, क्योंकि हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से हम डिवाइड करने से एक होल नंबर नहीं होगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया। फिर देखते हैं नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर से ऐड करने से एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये यस होगा। सब्ट्रैक्ट करने से नहीं होगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होगा, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये नो हो गया। तो फिर देखो मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक यस होगा, और डिवीजन में नहीं होगा, ओके। तो इतना क्लियर हो गया, ओके। थैंक यू।